Hi guys, please subscribe to our channel and also click the bell icon so you never miss a video of Simply Pretty. Hey guys, welcome to my channel Simply Pretty और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ईद स्पेशल ग्लैम मेकअप लुक। ये लुक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ग्लैमरस भी है। इसे आप चाहो तो डे टाइम पे, नाइट टाइम पे इजीली क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ आप लिप शेड है वो उसे चेंज कर लीजिए और थोड़ी सी काजल लगा लीजिए। हाइलाइटर को थोड़ी सी और ज़्यादा डार्क कर लीजिए, मतलब थोड़ी सी और ज़्यादा अप्लाई कर लीजिए और एंड यू आर गुड टू गो। हम स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियोस, पर वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। मुझे इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं फर्स्ट यूज़ कर रही हूँ निविया की लिप बाम और उसके बाद मैं यूज़ कर लूँगी NYWay की प्राइमर। और यहाँ मैं बार बार मेरी राइट साइड पे देख रही हूँ, कैमरा की व्यू मिरर पे देख रही हूँ, सो गाइस मुझे प्लीज़ इग्नोर करना। मैं यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी और डायरेक्टली यूज़ कर लूँगी मेरी मेबेलिन फिट मी की कंसीलर इन द शेड 20 सैंड और इसे हाइएस्ट पॉइंट पर यूज़ करके अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ मैं। मेरे फेस को अच्छे तरीके से सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रिमल स्टे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर। नेक्स्ट मैं फिल कर रही हूँ आईब्रो और आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड के आईब्रो किट और इस किट में से मैं सिर्फ ये लाइट ब्राउन शेड को लेके मेरे पूरे आईब्रोज को अच्छे तरीके से फिल कर लूँगी और उसके बाद कॉम्ब आउट भी कर लूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ एले कलर्स की ये ब्लश पैलेट जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और इसमें से मैं इन दोनों शेड को लेके अच्छी तरीके से मेरे चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। अब ये सेम एले कलर की ब्लश पैलेट में से मैं ये लाइट पिंक शेड को लेके मेरे क्रीज पे ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि इसके बाद मैं जो आई शेडो पैलेट यूज़ करने वाली हूँ उस पर कोई मैट शेड नहीं है, इसलिए मैं इस ब्लश पैलेट को ही यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं मेरी फेस पे बहुत ही एक सटल ग्लो लाने के लिए यूज़ कर रही हूँ माई फेवरेट हाइलाइटर वेट एंड वाइल्ड की प्रेशियस पेटल्स और इसे मैं मेरी फेस की हाइएस्ट पॉइंट्स पे यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कैमिलियन की पैलेट, ये मैंने परचेज की थी फ्लिपकार्ट से और ये बहुत ही अच्छे पिगमेंटेड आई शेडोज हैं, पर एक ही प्रॉब्लम है, इसमें एक भी मैट शेड नहीं है, सभी सिल्क फिनिश में है, हम शिमर भी नहीं कह सकते पर सैटिन फिनिश कह सकते हैं। और मैं अब ये लाइट पिंक शेड को लेके मेरी आउटर वी में प्लेस करूँगी। अब मैं शैम्पेन शेड को लेके मेरी आईलिड की 1/3 एरिया में प्लेस कर रही हूँ। दोनों आई शेडोज को अच्छी तरीके से प्लेस कर लेने के बाद मैं दोनों आई शेडोज को एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं ले रही हूँ ये सिल्वर शेड और इसकी मदद से मैं मेरी ब्राउ बोन्स को और इनर कॉर्नर को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं कर्ल कर रही हूँ मेरी आईलैश को और उसके बाद यूज कर रही हूँ मेबेलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सेस मस्कारा। और अब मैं NYWay की ये लिक्विड लाइनर की मदद से एक छोटी सी विंग ड्रॉ कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ NYWay की आर्गन ऑयल मैट लिपस्टिक इन द शेड पीकाबू शेड नंबर 9 और इन लिपस्टिक के ऊपर रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज दैट्स ऑल टुडेज वीडियो और जो मैं हमेशा बोलती हूँ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज गाइज सब्सक्राइब कीजिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन एंड प्लीज मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिए और प्रोडक्ट की जो नेम है और जो लिंक है मैं चाहूँगी प्रोवाइड करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को मेरी तरफ से
रमजान की और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की ईद बहुत ही अच्छी आए, बहुत ही एंजॉय कीजिए और बहुत ही खुश रहिए।